का चैनल। सो आज मेरे साथ में है मेरा बेस्ट फ्रेंड और मैं इसे पूछने वाले कुछ स्पाइसी से क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। एंड सारे क्वेश्चन मैंने मेहनत से तैयार किया है, तो आंसर अच्छे से देना। एंड हम लोग इसमें पूछने वाले हैं बहुत सारे ही ऐसे क्वेश्चन जो गर्ल्स आर अफ्रेड टू आस्क और दे कांट आस्क। सो इसलिए मैं इसके सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, इसका पर्सपेक्टिव देखते हैं कि ये क्या आंसर करता है। एंड आर यू एक्साइटेड? Of course, I'm excited. So let's start. Let's start the video. Okay, so my first question is, why do men always think we are on our period when we are in a bad mood? जब हम खराब मूड में होते हैं, तो why always men think we are on our period? That's the question. अच्छा, ये generally होता है कि एक thought boys के groups में आप generally जाएंगे, तो एक thought पहले भी generate हो चुका होता है कि एक rumors इसको बोलते हैं। कि गर्ल्स अगर चिड़चिड़ा रही है, इरिटेट हो रही है, हो सकता है पीरियड होगा उसका। सो ये एक काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी बन जाती है बॉयज में, बट इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग और भी रीजंस हो सकते हैं, बट इट्स नॉट द रीजन। सम टाइम हम लोग सच में इरिटेट होते हैं या मूड खराब होता है, बट ये डिपेंड करता है। बट पीरियड्स के साथ होता है कि मूड स्विंग्स, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। बट ये एक मेंटेलिटी बनी है कि कुछ भी अगर गर्ल्स को इरिटेशन होता है या गुस्सा हो जाती है, तो बॉयज के थॉट्स में जल्दी याद आता है कि पीरियड चल रहा है। सो दिस इज रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो? नो, आई डोंट थिंक सो। तो क्या सोचते हो? आई ट्राई टू फाइंड द रीजंस बिहाइंड दैट। ही इज अ गुड मैन हियर। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू मेन एक्सपेक्ट टू हैव सेक्स ऑन देयर फर्स्ट डेट? अरे कहना क्या चाहते हो? आई डोंट एक्सपेक्ट, आई थिंक, बट मोस्टली आई कैन से मोस्ट ऑफ द बॉयज, अप्रोक्सीमेटली 70-80% ऑफ बॉयज थिंक अबाउट दिस। बट मेरा परसेप्शन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक जजमेंटल काइंड ऑफ पर्सन आई एम, तो मैं उसके बिहेवियर को जज करता हूँ और ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि फर्स्ट डेट पे जाओ और मेंटेलिटी वो बनी हुई है सेक्स वाली। सो आई डोंट थिंक सो, बट मोस्ट ऑफ द बॉयज थिंक अबाउट दिस। सो पुट योर कमेंट, व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? दैट्स द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज, डू मेन फाइंड स्ट्रेच मार्क्स आर अनअट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव? So question is that stretch marks are attractive or not? What men thinks about stretch marks on women's body? For me, stretch marks seems to be attractive, क्योंकि इस पे आप कुछ कर तो सकते नहीं है, ये हो जाता है। बहुत सारे reasons उसके होते हैं, मेरे को ये attractive लगता है क्योंकि मेरे I am also having stretch marks here on my shoulders, on my thighs, तो ये attractive इसलिए भी लगता है क्योंकि you know something unique बॉडी में कुछ। इट्स एक्चुअली नॉट यूनिक, इट्स वेरी कॉमन, नॉट ओनली इन वुमेन बट आल्सो इन मेन। या सो अट्रैक्टिव तो लगता है मुझे, बट मुझे ये भी लगता है जैसे कि मैं जितने बॉयज ग्रुप में रहता हूँ तो पता है कि कई बार अनअट्रैक्टिव भी लगता है जब कुछ ज्यादा ही ओवर स्ट्रेच मार्क्स इफ यू हैव ऑन योर बॉडी। But for what me, अगर women pregnant हो गई after pregnancy, stretch marks is very common, so क्या unattractive हो जाता? No, let me tell you one thing, कि women should not be ashamed of this thing. It's very normal thing, बहुत normal है। Boys में भी ये होता है, gym छोड़ने के बाद या gym जब start करते हैं या fat gain होता है तो stretch marks of course आ जाते हैं। So it's very normal, we should not be ashamed of this thing. He now want to become politician. He's giving answer like politician. जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? Okay, so my next question is, does boob size matter? So question, what आप सबने सुना होगा। So I think, देखिए मेरे लिए चीज मैटर नहीं करता है। अगर मैं किसी को बहुत पहले से जान रहा हूँ, किसी लड़की को, उसका वे ऑफ नेचर, उसका बिहेवियर, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका परसेप्शन, थिंकिंग, सारी चीज अच्छा है। देखिए मैं किसी के साथ अगर लाइफ टाइम रहूंगा तो मैं एक पर्टिकुलर एक चीज के बेस पे नहीं रह सकता। अगर उसका बिहेवियर, नेचर, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका वे ऑफ थिंकिंग सही नहीं है, उसका फिजिकल आस्पेक्ट सही है बट ये सही नहीं है, तो क्या आप रह सकते हैं? सो समटाइम्स एवरीथिंग शुड बी इक्वल। फिजिकल जो बोल सकते हैं, एक वेल
कह सकते हैं कि सारी चीज मेंटेन होनी चाहिए. आई थिंक एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस नहीं रखना चाहिए. तो मेरे लिए इट डजंट मैटर. बट इतना तो ट्रूथ है कि आप सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द बॉयज आर लाइक काइंड ऑफ हाउसी. सो आई थिंक यू मस्ट बी पोलाइट कमिंग फ्रॉम अ बॉय. यू मस्ट नॉट सेइंग इट. या आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ कि ये होता है. जनरली 60-70% ऑफ बॉयज होते हैं उनका मेंटेलिटी इस तरीके से जाता है. दैट इज यू नो बिग डील फॉर देम. So that's the answer. So my next question is, what is the first thing a guy see in a girl? The first thing, the very first thing, this is my perception. कि कैसे आ रही, कैसे जा रही है? No. पहली चीज़ मैं friend है, मैं इसका answer बताती हूँ ना. इसने कोई अच्छी लड़की देख ली तो इसने पहले देखना है कि makeup उसका अच्छा है, dress अच्छा है. झूठ बोलो. बार बार झूठ बोलो. ऐसा कोई बात नहीं है. तो डेफिनेटली वेरी पॉजिटिवली लेट मी टेल यू कि जब किसी बंदी से पहली बार मिलते हैं तो मेरे लिए तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आंखों से चीजें हमको जानने को मिल जाता है. उसके मैनर्स से, उसके बॉडी एक्सप्रेशन से, उसके आई एक्सप्रेशन से, वे ऑफ टॉकिंग, तो सारा चीज. अगर एक अच्छा बंदा है या अच्छी अगर दूर से कोई लड़की खड़ी है तो तुझे क्या चीज में तू नोटिस करेगा जिस तो अट्रैक्ट होगा? बिना बात किए, बिना आंख में देखे, क्या चीज तू फर्स्ट थिंग नोटिस करेगा? द वेरी फर्स्ट थिंग इज ड्रेसिंग सेंस. फॉर मी ड्रेसिंग सेंस. सो गाइस फॉर गर्ल्स आल्सो ना, वी आल्सो वॉच डेफिनेटली. सो बॉयज व्हाट विल बी योर एस्पेक्ट्स, यू कैन पुट योर कमेंट्स. फॉर मी ड्रेसिंग सेंस. क्या डेफिनेटली ड्रेसिंग सेंस इज द फर्स्ट थिंग. ओके सो द लास्ट क्वेश्चन इज why men are insecure when women earn more than them? ज़्यादा कमाने वाली लड़की. I don't think so. For me, lots of men get insecure. होता है, ऐसा होता है हमारे समाज में. पुरानी आप सबने फील, आपने एक्सपीरियंस लिया होगा कि पुराने समाज में भी ऐसा होता था कि लड़कियों को बाहर जाने से, काम करने से मना किया जाता था. एक ईगो काइंड ऑफ ईगो डेवलप हो जाता है, मैन ईगो. तो दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग. अब आज का जो टाइम है वो बहुत ही बदल रहा है. एक डेवलपिंग थिंग हम देखने को मिलता है कि गर्ल्स अब बाहर जा रही है, काम कर रही है, इक्वल है ना. तो आई डोंट थिंक सो कि वी शुड नॉट बी इनसिक्योर. ये अच्छी बात है देश की इकोनॉमी के लिए और आपकी फैमिली के लिए, अगर हस्बैंड वाइफ खुद की इकोनॉमी के लिए. दैट्स नाइस थिंग दैट वुमेन शुड गो आउट एंड दे शुड अर्न मनी एंड मैन शुड लर्न from women. So yeah, that's all for this video. अगर आप लोग ये वाला video अच्छा लगता है तो इसका हम लोग next part भी बनाएंगे. Comment करना आप लोग क्या क्या question में से और पूछ सकती हूँ. And if you like this video, then please like this video and subscribe to my channel. And we'll see you on our next video. तब तक के लिए bye.